आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास से रे ऑप्टिक्स के अंदर से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। लास्ट वीडियो के अंदर हमने माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हमने दो कन्वर्जिंग लेंस लिए थे, एक ऑब्जेक्टिव था एक आई पीस था। ऑब्जेक्टिव का साइज छोटा था, आई पीस का साइज बड़ा था। अब यहां पर बिल्कुल उल्टा है, यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है ये हमारे पास है, ये है हुआ है, ऑब्जेक्टिव का साइज जो है वो आपका बड़ा होगा और आईपीस का जो साइज है वो छोटा होगा। ठीक है, ये आईपीस हो गया और ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। सबसे पहली बात, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है ये किस काम आता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो लार्ज हेवनली बॉडी होती है, जैसे स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, उनकी एक क्लियर इमेज के लिए हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कोई छोटी चीजें होती हैं तो उनके लिए हम, आपके पास नियर बाई है तो उसमें हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं उनकी हाईली मैग्निफाइड इमेज के लिए। बट अगर मान लो कोई लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, जैसे मैंने बताया कोई स्टार है, प्लेनेट है कोई भी, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो जो मेन डिफरेंस है वो ये है आपका कि आपके पास यहाँ जो ऑब्जेक्टिव है इसकी अपर्चर और इसकी फोकल लेंथ है वो दोनों लार्ज होती है ऑब्जेक्टिव की, और आईपीस की स्मॉल होती है। ठीक है, आईपीस जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ का हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए आप इसी के अंदर हम बात करते हैं। तो आपके पास ये हेवनली ऑब्जेक्ट जो होते हैं बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे लाई करते हैं, तो ये हमने मान लिया इधर आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो लाई करने लग रहा है। ठीक है, तो उसी ऑब्जेक्ट से ये आपके पास ऐसे पैरेलल रे आ रही है, यहां पर ऑब्जेक्ट है हमारा कोई भी, ठीक है, जो बहुत लार्ज डिस्टेंस पे लाई कर रहा है, तो उसी से ये पैरेलल रे है जो आने लग रही है ऐसे पैरेलल रे। ठीक है, तो ये पहले हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होगी। अब ऑब्जेक्टिव से जो आपके पास इमेज बनी ये हमारे पास हो गई ए डैश बी डैश, ये आपकी इमेज हो गई। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस से आपकी इमेज बन गई। अब ये दोनों को मैंने पहले लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, दोनों को हम एक ट्यूब के अंदर इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि आपके पास जो फाइनली इमेज है वो हाईली मैग्निफाइड इमेज आपको ऑब्टेन हो। ठीक है, और वो इस टाइप से एडजस्ट करते हैं कि पहले जो लेंस है उस लेंस से जो इमेज बने वो सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम करे। तो यहां पर सेकंड हमारा आईपीस है, आईपीस के लिए ये जो आपके पास इमेज है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव की जो इमेज है ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया ए डैश बी डैश। अब आपकी यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो लगभग आपका इंफिनिटी पे लाई कर रहा है, तो सीधी सी बात है इमेज कहां बनेगी? इसके फोकस पे। तो ये पॉइंट जो हमारे पास होगा ये एफओ हो गया, मतलब ये कह सकते हैं ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी? एफओ हो जाएगी। ये आईपीस है तो ये हमारे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी? यूई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर इस ट्यूब की लेंथ की बात करें तो ट्यूब ऑफ लेंथ हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी? सम ऑफ एफओ प्लस में यूई। अगर आपकी फाइनल इमेज यहां पर कहां बन रही है? एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये ए डबल डैश बी डबल डैश आपकी यहां पर फाइनल इमेज है। ठीक है, जो हमारे पास इस ऑब्जेक्ट के लिए तो इरेक्ट है, बट जो हमारे पास इस साइड में ऑब्जेक्ट है उसके लिए रियल एंड इनवर्टेड है। ठीक है, मतलब सॉरी इनवर्टेड है। ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन से बनेगी ये आपकी रियल और इनवर्टेड होगी। ठीक है, तो ए डैश बी डैश जो हमारी इमेज है तो अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो फाइनल इमेज जो है वो ये है। अब ये देखिए मैग्निफाइड इमेज आपको ऑब्टेन होगी यहां पर ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, चलिए तो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर सी वन होगा, ये ऑप्टिकल सेंटर सी टू हो गया, ये ऑब्जेक्ट होगा, इसी से पैरेलल रे ऐसे आने लगेगी तो ये ऑब्जेक्ट से एंगल अल्फा हो गया, ये आपकी इमेज है तो ये एंगल हमने ले लिया यहां पर बीटा। ठीक है, समझ गए? तो सिंस यू नो दैट मैग्निफाइंग पावर इज द एंगल सबटेंडेड बाई इमेज टू ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंगल इज स्मॉल सो इट कन्वर्टेड इन टू टेन बीटा एंड टेन एल्फा। सो अब हम टेन बीटा और टेन एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टेन बीटा और एल्फा के लिए आपको मैंने बताया था आपको ऐसी ट्राइंगल लेके चलनी है जो सिमिलर हो आपके पास, जिनकी एक साइड आपके पास कॉमनली हो। ठीक है, तो टेन बीटा के लिए और टेन एल्फा के लिए, टेन एल्फा के लिए मैं कौन सी ट्राइंगल लेने जा रहा हूं भैया? ये है हमारे पास, ये देखिए ये ट्राइंगल जो है आपके पास, कौन सी ट्राइंगल है? ये ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी वन।
ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसी के अंदर से मैं टेन एल्फा की वैल्यू निकालता हूं। तो टेन एल्फा हमारे पास परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश अपॉन में बेस बी डैश सी वन, ठीक है। सिमिलरली आपके पास हमारे पास ट्राइंगल हो जाएगी ए डैश बी डैश सी टू, इसके लिए टेन बीटा, टेन बीटा होगा परपेंडिकुलर वही ए डैश बी डैश अपॉन में बेस बी डैश सी टू, ठीक है। सो मैग्नीफाइंग पावर क्या बन जाएगी आपके पास, एम इज इक्वल टू टेन बीटा, टेन बीटा क्या है भाई ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश सी टू इंटू में बी डैश सी वन ओवर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश कैंसिल आउट हो जाएंगे। बी डैश सी वन की वैल्यू अगर हम बात करें तो बी डैश सी वन क्या है भाई, ये रहा बी डैश सी वन, क्या है ये एफ ओ अपॉन में बी डैश सी टू, ये क्या था बी डैश सी टू, तो बी डैश सी टू हमारे पास ऑब्जेक्ट आईपीस के लिए, तो इसका साइन कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर है। तो ये हमारे पास होगा यू नो दैट फ्रॉम लेंस फॉर्मूला वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ, अगर हम फोकस फोकल लेंथ की टर्म में लिखें तो ठीक है क्या जाएगा v, v हमारे पास कहां बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट रीजन पे, u आपका ऑब्जेक्टिव के लिए माइनस यू ही होगा, फोकल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी एफ यू, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए क्या मिलता है आपको वन अपॉन माइनस डी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन अपॉन यू इज इक्वल टू वन अपॉन एफ ई, ठीक है। तो वन अपॉन यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वन अपॉन में एफ ई प्लस में वन अपॉन में डी, वन अपॉन एफ ई अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूं तो मैं आपके पास यहां बच जाता है वन प्लस में एफ ई ओवर डी, ठीक है, ये वन अपॉन यू की वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दीजिए तो सो मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या आ गई एफ ओ अपॉन में माइनस का एफ ई इंटू में वन प्लस में एफ ई ओवर डी, ये आ गई मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो आप देखिए यहां से आपको स्पष्ट क्लियर है, तो सबसे पहली बात नेगेटिव साइन जो शो करने लग रहा है इन्वर्टेड इमेज को, इसके अलावा मैंने बताया था कि यहां पर जो ऑब्जेक्टिव है उसकी फोकल लेंथ हम लार्जर लेके चलेंगे, क्योंकि आपको देखिए एम हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपको पता है भाई फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव की अगर हम लार्जर लेके चलेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर उतनी ही ज्यादा होगी, और बेटर हमारे पास टेलीस्कोप वही होगा जिसकी एक लार्ज मैग्नीफाइंग पावर हो, ठीक है। दूसरा हमारे पास एफ ई है, एफ ई की वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए क्योंकि एफ ई हमारे पास यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एफ ई की वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए फॉर लार्ज मैग्नीफाइंग पावर के लिए, ठीक है, समझ में आई बात। तो ये था हमारे पास इसी के अंदर कि जब आपकी फाइनल इमेज कहां बने एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। इसी के अंदर आपके पास अगर हम बात करें ये केस था हमारा कि जब वैन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब मैं बात करता हूं सेकंड केस की, सेकंड केस में जब आपकी फाइनल इमेज कहां बने एट इंफिनिटी पे, तो जब फाइनल इमेज एट इंफिनिटी पे सेकंड केस लेके चल रहा हूं, व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, अगर आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगी तो किस टाइप का होगा, ये यहां से हटा दीजिए, बस थोड़ा सा चेंज करना है आपको, ठीक है, तो चेंज करना है वो यहां से मैं बताने लग रहा हूं आपको, व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन का अभी हमने किया था, अब हम केस करने लग रहे हैं कि जब आपकी फाइनल इमेज हो इन्फिनिटी पे, तो जब इन्फिनिटी पे होगी तो पिक्चर आपका जो डायग्राम है वो किस टाइप का आपको मिलेगा, तो ये देखिए ये आपके पास ऐसे रे आएंगी और ऐसे सीधी की सीधी चली जाएंगी, ये कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी, ठीक है। तो ये हो गया व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, तो यहां पर ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे है तो ये एफ ओ हो जाएगा, बट ये आपका क्या हो जाएगा यू ई की जगह एफ ई हो जाएगा, क्योंकि फाइनल इमेज कहां है इंफिनिटी पे, तो अगर आपका ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तभी तो आपकी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे होगी। तो यहां पर अगर हम बात करें इन केस ऑफ फाइनल इमेज एट इंफिनिटी देन लेंथ ऑफ ट्यूब इज एफ ओ प्लस में एफ ई, उस केस में हम ट्यूब की लेंथ एफ ओ प्लस में एफ ई लेंगे व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी, और यहां से अगर हम बात करें मैग्नीफाइंग पावर की तो मैग्नीफाइंग टेन बीटा और टेन अल्फा, अभी देखिए यहां से क्या बन जाती है टेन बीटा हमारे पास क्या गया वही ए डैश बी डैश ओवर बी डैश सी टू इंटू में बी डैश सी वन ओवर ए डैश बी डैश, ये तो कैंसिल आउट हो ही गया था, तो बी डैश सी वन, अब बी डैश सी वन हमारे पास क्या है एफ ओ,
और बी डैश सी टू जो यू ही था अब वो क्या बन गया एफ ई, ठीक है, साइन तो वो ही रहेगा बट ये आप यू ई की जगह क्या गया अब एफ ई आ गया। तो ये है हमारा सेकंड केस फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं व्हेन फाइनल इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो ये था आज का टॉपिक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर मेन डिसएडवांटेज ये होती है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव का जो लेंस है ये हमारे लार्ज अपर्चर का चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि लार्ज अपर्चर क्यों लेते हैं हम इसके अंदर, क्योंकि जितनी ज्यादा अपर्चर लार्ज होगी उतनी लाइट गैदरिंग पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है, उसी वजह से इसकी रिजोल्विंग पावर और मैग्नीफाइंग पावर है वो ज्यादा होगी, क्योंकि लाइट गैदरिंग पावर जैसे बढ़ेगी उतनी ज्यादा से ज्यादा रे यहां पर आके इसके अंदर एंटर करेंगी, और जितनी ज्यादा रे एंटर करेंगी उतनी ही इमेज आपकी क्लियर और मैग्नीफाइड इमेज होगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपका ऑब्जेक्टिव है, इसी वजह से हम लार्ज अपर्चर का लेके चलते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज में अगर हम बात करें तो ये इसी की डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि इतना बड़े साइज का आपके पास लेंस मिलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, मैक्सिमम 102 सेंटीमीटर का आपको ऑब्टेन हुआ अभी तक, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट जो है उसकी इमेज हाई मैग्निफाइड इमेज के लिए हम इसका यूज करते हैं। थैंक्स।